नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं झेलम टाइम जोन। मैं हूँ विदुष लातिया, लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए हमारा सुपर इंटरेस्टिंग सा लाइव सेशन। सो गाइज, मैं आप सभी को बता दूं कि हमेशा जब भी हम कोई लाइव सेशन करते हैं तो उसमें हम आपको डांसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स सबके साथ मिलवाते हैं ना। सो हमारा जो लाइव सेशन होता है एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के साथ होता है, लेकिन आज का जो हमारा ये लाइव सेशन है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल क्यों है, बिकॉज आज हमारे साथ जो है वो जम्मू के बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं ऐड करूँगी उन लोगों को और आपको थोड़ा बता दूं कि एक सॉन्ग जो कि डोगरी गाना है वो लेकर आ रही है वो पूरी टीम, तो आज हम उसी टीम को ऐड करेंगे। गाने का नाम है राखी एक दौर तीन, मतलब कि तीसरी बार वो सॉन्ग जो है वो राखी पे रिलीज हो रहा है, हर साल ये लोग करते हैं। सो बिना ज़्यादा वक्त जाया कि सबसे पहले तो मैं उन सबको ऐड करती हूँ। आज हम ऐड करने जा रहे हैं अयान गुप्ता जी, प्रज्ञा स्लोत्रा जी, डीसन म्यूजिक जिन्होंने दिया और गाया है गाना उनको, और साथ में मोहित शर्मा जी को। तो सबसे पहले तो मैं ऐड करती हूँ, अगर आप सारे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट कर दें क्योंकि यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहे। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हेलो, हाय विदु, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रज्ञा जो बाकी ऐड होंगे उनको बोलो कि आप रिक्वेस्ट करें, यहाँ पे मुझे शो नहीं होना। एक मिनट बोल ही देता हूँ। एक रिक्वेस्ट आई, लाइव ज्वाइन करो। गाइस, सिर्फ तीन लोगों को ऐड कर सकते हैं। मोहित आपके साथ डीसन भैया है ना? हाँ, डीसन भाई को मतलब डीसन देखो, मैं अपने साथ कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ, अपने साथ कर लो। हम लोग फटाफट आज हमारे बैक टू बैक इंटरव्यू थे तो हम सारे इकट्ठे ही भाग रहे हैं, मतलब कहीं कहीं कहीं, तो अभी हम फटाफट चाय पीते पीते हमने रेडी हुए हैं। आप देख सकते हो हमारे बाल बिखरे हुए हैं। अभी हम भीग कर भी आए हैं उल्टा। क्या, हम भीग कर भी आए? जम्मू में बहुत बारिश तेज थी अभी। सेशन में आप सभी सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, चंद्रयान तीन जो है वो लैंड कर चुके हैं। हेलो प्रज्ञा दीदी, की आप हाँ आवाज आ रही है? आवाज आवाज। हाय प्रज्ञा। हाय प्रज्ञा दी, कैसे हो आप? नहीं आजकल ठीक है। तो गाइस, सभी को बता दें कि हमारी है टीम राखी एक दौर जो गाना आ रहा है 25th of August, तो उनकी टीम हम इनसे जानेंगे कि गाना कब आ रहा है, किसने लिखा, क्या है क्या नहीं है, उसके पीछे का स्टोरी जो है वो कौन बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। आप पूछो, आप किससे पूछना चाहते हो? सबसे पहले आप बताएं कि आपने जो है तीसरी बार गाना जो है वो कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसा है कि लाइक ऐसा कुछ गाना सुना वो निकाल? लाइक एक्चुअली मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरी रियल बहन है। अब रियल वाली से भी करता हूँ, बट रियल वाली से इतना प्यार करता हूँ। जब उसकी शादी हुई तब मुझे लिटरली फील हुआ, जो एक डोर वन, एक डोर टू या एक डोर थ्री में आप देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं मेरी ही जर्नी है, मेरा ही स्ट्रगल है अपनी बहन के साथ कि हाउ आई, मतलब मुझे उसको कितनी याद आती है। एंड वैसे एक डोर वन 2019 में आई, एंड जब 19 में आई तो बहुत ज्यादा एक अच्छी रीच, अच्छी हिट गई थी, काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तब शायद लॉकडाउन भी था और ये सब भी था, और काफी लोगों ने रिलेट किया। फिर नेक्स्ट ईयर हमारा, सॉरी लास्ट ईयर हमारा सॉन्ग आया एक डो टू, जो की बहुत ज्यादा वायरल हुआ और अच्छा गया। और अब हमने सोचा कि वाई नॉट हम डोगरी को भी प्रमोट करें, अगर हम दिख रहे हैं, हमारे फेसिस से अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वाई नॉट प्रमोट डोगरी। फिर मैंने इन सर को कॉल किया, इन सर ने इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा डोगरी गाना गाया, लिटरली
आज गाना हमारा ऑन एयर हो चुका है 92.7 बिग एफएम में, आज सुबह से प्ले हो रहा है, 10 बार ही दिन में आप सुन सकते हो गाने को. सो दिस इज हाउ द जर्नी बिगिंस. वाओ, तो मतलब कि आपने जो है पहले जो दो गाने निकाले हैं वो हिंदी में? हाँ, वो हिंदी में पहली फिल्म थी, दूसरा गाना था और तीसरा डोगरी गाना है. तीसरा लोगों ने पसंद किया तो चौथा फिल्म आएगा. और अब हम ये बोलना चाहेंगे कि इस गाने को आप अगर ज्यादा प्यार देंगे तो शायद 4 भी आएगा, अगर ज्यादा प्यार मिला तो 4 आएगा. तो नहीं मिलेगा तो फिर हम सोचेंगे नेक्स्ट ईयर आएगा, नहीं तो अगर ज्यादा प्यार मिल गया तो फिर हम नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं, क्योंकि गाना जो बहुत अच्छा है, रीसन भाई ने गाया है, बहुत ही अच्छा गाना गाया है, तो लोगों को पसंद भी आ रहा है, एफएम पे भी चला. और प्रज्ञा गाने से लॉन्च हो रही है, प्रज्ञा प्रज्ञा की लॉन्चिंग है इस गाने से. समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल पाएगा. विदु मैं एक चीज बोलूंगा, ऑनेस्टली मोहित गवाह है, जब हम ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे ना तो मोहित ने आपका नाम रिकमेंड किया था, पर आप जम्मू में नहीं हो तो हमने लिटरली सोचा था कि हम विदु को भी इसमें रख सकते, क्योंकि ये गाना ना डोगरी के ऊपर. इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, कोई नहीं बोलता. आप लोग में आता सबको अयान की थोड़ी कम आ रही है, अयान की आवाज थोड़ी कम आ रही है. ये अच्छा नहीं दिखता. जी जी जी, ये तो बोल रही है. मैं पूछा फिर तो बात करिए, अगर इस गाने की लिरिक्स थी तो ये जो लिरिक्स हैं वो किसने लिखे हैं? वो लिखे हैं, उनका वैसे ओरिजिनल नेम विनय प्रताप है, खैरात सिंह उनका नाम आता है ऑन स्टेज, जिन्होंने अथरू गाना आया था मेरा डोगरी, उन्होंने लिखा था वो भी, और गाया कंपोज म्यूजिक वो सब मेरे. सारे ग्रुप पहले से आए डोगरी गाना है, दो लाइन तो गाई सकते हो ऑन एयर. ट्रेनिंग हुई है? नहीं नहीं, ऑन ग्राउंड भी हुई है ना ऑन एयर. ठीक है, अपनी अडोरा रब्बा तेरे हाथ सुट्टी है, मुंजी दी पनीरी है एक थां दा पुट्टी है, दुई थां जा रड़िया दुई थां ने चलिया, ए चोले दिया फुलिया दुई थां जा फलिया, इरखे दी परिया सबा दिया पुलिया दुई थां जा फलिया, ए चोले दिया फुलिया. बस आगे तो उधर पर तो Spotify वगैरह पर सुनो, YouTube पर सुनो पूरा. विदु की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही. और फेसबुक पे आएगा फिल्म से आएगा, जाके फुल सॉन्ग विद वीडियो जो है सुन सकते हैं. प्रज्ञा दीदी मैं आपके पास आती हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि जर्नलिस्ट और फिर ये एक्टिंग एक ही कुछ क्यों आया आपके दिमाग से? ए दरअसल मेरे दिमाग से नहीं आया, ए अयान तो मोहित के दिमाग से आया. ते मैं जलंधर गई तो मी फोन आंदा एक कि हमने ना एक गाना करना है तो आप उसमें मेन लीड का रोल करोगे. तो मैं यार इन्हें गलत फोन ला उड़िया, शायद इन्हें कोई इंटरव्यू का ही फोन करना चाह रहा है. आख्या कि एक बार आप स्टोरी सुन लो, क्या स्क्रिप्ट है हमारी, क्या इस गाने को लेकर थीम है हमारा. जेले ने मी वो सुनाया और मैं लिटरली मैं आख्या मैं यार ये तो मेरी स्टोरी है, मतलब मैं पूरा रिलेट करी पाई, क्योंकि एक गीत ना एक सिर्फ गीत नहीं है, एर च भैन भरा का प्यार दस रहा और बहुत ज्यादा इमोशन दसते रहे, तो वह पूरा एक जड़ी बोए की कुड़ी होगी उसी के समझ आई सकती. वो जल्द मैं सुनिया तो मैं ना नहीं करी पाया, मैंने आख्या मैं जरूर करगी.
ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੁਣ ਇਸੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਅਗਰ ਡੋਗਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡੋਗਰੀ ਕੀ ਥਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰੇ ਕਰਾਰੇ ਅਸ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਿ ਵੋਕਲ ਫੋਰ ਲੋਕਲ ਅਸ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੀ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਡੋਗਰੀ ਚ ਗੀਤ ਕੱਢਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸ ਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁੰਨੇ ਕਰ ਫਿਰ ਬਸ ਪੈਰ ਧਰੀ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੌਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤੇ ਰਾਈ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰੀ ਓੜਿਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਗੀ ਥੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਐਸੇ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ DOP ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹਾ ਇੰਦੀ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਗੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਮ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆ ਰਹਾ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਹਿ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰੀ ਓੜਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਲ ਗਾਇਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਗਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲ ਅਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀ ਪਾਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੂ ਆ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦੇ ਆ ਰਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਅਰ ਕਰਾ ਰਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ 25 ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯਾਨ ਬਾਤ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਸੂਵਿਸ ਕਾਲ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਨੇ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਥਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਡੋਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਗਰੀ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿ ਕਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਥੋੜਾ ਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਮ ਲੋਕ ਜਨਰਲੀ ਡੋਗਰੀ ਮੇ ਰਹਤੇ ਬਟ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਜੰਮੂ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਆਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸੇ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰੂੰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕੇ ਲਈ ਡੋਗਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੂੰ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਹਮਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਕੋ ਡੋਗਰੀ ਮੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਆ ਐਟ ਇਸ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੋਗੇ ਜਿਨਕੋ ਐਕਚੁਅਲ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਬੋਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਤਾ ਨਾ ਕਿ ਐਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤਾ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਥੋਟ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਮੁਝੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਮੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ऐसा नहीं होता ना डोगरी गाने हम सुनते हैं वो प्रॉपर बट ये थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नहीं है तो हमने इसमें नया टच डाला क्योंकि MSF की हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया करने की फॉर एग्जांपल हमारे शोज हो गए या चीजें होगी तो एवरीथिंग इज यूनिक सो दिस इज व्हाई वी थॉट कि सीजन 3 जो होगा या इसका पार्ट 3 होगा वो डोगरी का ओके मतलब अब आपको क्या लगता है कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा जैसा हिंदी को मिला अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर गुड रिस्पॉन्स बिकॉज हम जम्मू के लिए कर रहे हैं और जब भी हम हिंदी करते थे ना तो लोग बोलते थे डोगरी के लिए करो डोगरी के लिए करो अब डोगरी के लिए कर रहे हैं तो अब ऑडियंस के ऊपर है हमारी फील्ड के आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो कितना सपोर्ट करते हैं बिकॉज देखो एक गाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है चाहे वो हिंदी हो चाहे वो डोगरी हो हम इंडियंस हैं तो कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर लो बहुत मेहनत लगती है बट इस बार ये डोगरी के लिए कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी ऑडियंस है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गाइज अब आपके ऊपर है जम्मू वाले ही इसको हिट करेंगे सॉन्ग को किशन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे चैट मुझे दिख रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा किससे कौन सा क्वेश्चन करूं मेहनत लगी घटो घट साढ़े 40-50 बंदे आए स्टारकास्ट 40-50 हूं मैनेज करना मैं गल आखना चलो बिच अगर थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना छोटी छोटी बच्चिया बड़ी ना बिच ले दी 5-5 साल दी भी है ना बच्चे भी है ना
ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਓ ਡਿਓ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਮਾਈ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਲਾਏ ਉੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਹਮਨੇ 10 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਥਾ बाकी मैं एक चीज बता देता हूँ, अपने डायरेक्टर पे भरोसा रखो, गलती कोई नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, टेंशन मत लो। फिंगर क्रॉस्ड। बिल्कुल सही है। खाना जो कितने बजे एक बार दोबारा से बता दीजिए कौन से चैनल पे आएगा? ये आपका YouTube चैनल मोहित शर्मा फिल्म्स पे आएगा, जिसे फॉलो नहीं किया अभी कर लो। VTV एंटरटेनमेंट फेसबुक चैनल है जिस पे ये गाना शाम को चढ़ेगा 6 बजे या 7 बजे, अभी टाइम डिसाइड नहीं किया हमने, बट कल हम अपडेट कर देंगे, बट इवनिंग में ही चढ़ेगा। एंड नेक्स्ट डे 26 को हमने एक प्रीमियर रखा है हमारे जम्मू के डोगरी कलाकार को, आप फैसिलिट करेंगे कि वो लोग डोगरी के लिए कर रहे हो, पहली बार हम भी कर रहे हैं, हमें भी आके सपोर्ट करें और इस गाने को एक हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए इस गाने के साथ, तो सब आप लोगों के हाथ में है। सब ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद का मतलब डोगरी गाना जिस गाना निकल दे सारे बोलते कि डोगरी नहीं करते, उन डोगरी करा दे सपोर्ट कर, क्योंकि सब शेयर चंगे अपने जम्मू के आर्टिस्ट लोग हैं, वो लोग जो गाना निकाल रहे हैं, गाना लेके आप सभी के लिए आ रहे हैं, बाहर के आप इतने शेयर करते हो। आई विश की सारे रील्स गाना से ट्रेंडिंग ऊपर ना रील्स से बहुत रील मिलती है, तो आप लोग सकते हैं राखी का गाना है डोगरी, सबसे बड़ी बात है आप डोगरी को अगर राखी में प्रमोट करना चाहते हैं तो वो रील्स के थ्रू आप जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, जितनी हो सके उतनी रील्स है ना। इसी बीच कोई लाइंस है ऐसी जिसके ऊपर रील्स भी बनाई कल रील्स पे भी आ जाएगा सॉन्ग, आज आप एफएम में सुन रहे हो, कल रील्स पे स्पॉटिफाई पे जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है कल सब में ऑन एयर हो जाएगा, एंड परसों आप वीडियो देख सकते हो। एंड हम कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे जब एक बार वीडियो आ जाता है, क्योंकि राखी को अभी 7 दिन बाकी है तो तब तक रील कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बाकी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बाकी जितने मेरे आर्टिस्ट थे इस गाने में, जैसे ख्वाहिश हो गई, अरण्या हो गई, रेखा मैम हो गई, और जो जितनी भी मोर देन 50 आर्टिस्टों की जो कास्ट थी हमारी, तो मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सबने इतना सपोर्ट किया। अरण्या थी इस गाने में, बहुत से आर्टिस्ट थे, बैक कैमरा भी थे और ऑन कैमरा भी थे, सबको मैं हाँ, तो उन ख्वाहिश की मम्मा का बड़ा सपोर्ट रहा हमें, तो ये बोलना चाहूंगा। गर्मी में शूट करना सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, और जम्मू में बिजली इतनी जाती है कि पूछो मत, आप सबको पता है, तो उसमें हमें बिजली जा रही है, हम जनरेटर ला रहे हैं, ये करें, मतलब एक शूट करना आसान नहीं है गर्मियों में, एंड इतने हेवी कॉस्ट्यूम्स में शूट करना, आप दुल्हन से पूछ सकते हो, प्रज्ञा ने पूरा दुल्हन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, मेकअप ये वो तो हमारा जो था वो नाज मेकओवर से था कॉस्ट्यूम हमारा, सिर्फ गाना नहीं है, इस गाने च तीन बहुत अच्छे मैसेजेस है जो कि हर एक बंदा जिस वेले दिखेगा और उसी सोचने पर मजबूर करेगा कि नहीं ए नहीं इया भी होना चाहेगा, तो वो बहुत अच्छा मैसेज जेड़ा वास ले ये आए ने, मैसेज भी है, इमोशंस भी है, प्यार भी दस रहा, भैन भरा भी, लड़ाइयां नटखट बड़ी सारी चीजा जड़ी दसी रही है। मैं बस इयो आखगी, पहले बाकियां ताई आखदी ही, हुन अपने ताई आखगी कि तुसे मिगी हर एक अवतार ते जेड़ा अपनाया, प्यार दिता, इज्जत दित्ती, मान दिता, ते हुन जेड़ा ए गीत आवा करदा है मेरा पहला डोगरी गीत है और इन डोगरे भरावियां कन्ने गे आवा दा है, ते मैं बस इयो आखगी कि इसी भी बहुत सारा प्यार दो, ठीक है, रजिए इसी तुहें शेयर करो, रखड़ी उपर गीत जेड़ा वो आगरा करदा है और ये रखड़ी उपर गीत जेड़ा वो सारे रुलाने वाला है, मैं बस जिन्ना मैं ही लगा दा है कि एहो लिया होना है कि सारे दी अखां जेड़ी वो नम होई आन, बिल्कुल, और जे तो रखड़ी दा गाना ही टकराए रहा एड़ा तुंदे कन्ना प्रॉमिस है नाग पंचमी पर मैं सप्पा लगान लेगा तगड़ा यार पक्का आई थिंक सप्पा लगान देखो
हर एक फेस्टिवल मनाना चाहिए, मेरा तो यही हमेशा एम रहता है, मैं पार्टीज भी करवाता हूँ हर एक फेस्टिवल को, ताकि जो आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं वो भूल रही है हमारे रिलीजन में क्या फेस्टिवल होता है। लाइक दिवाली आप पहले देखते थे और आप देखते थे वो डिफरेंट आ गया है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम सब कुछ अवेयर रखें अपने गानों से, अपनी पार्टीज से, या अपनी यू नो चीजों के साथ। बिल्कुल, मेरी शिकायत रहेगी जब भी मैंने तभी जान के बोला क्या पार्टी के लिए, वो बेचारी उधर रहती है ना कहीं बाहर दिल्ली कहीं बाहर वे तो दिल्ली रहती है। नहीं नहीं बैक टू टॉपिक एंड थ्री बार ऑफ कैमरा बोल लायो टू डेज वो राखी डोर थ्री। सो प्लीज गाइस जितने भी लोग अभी 25-26 देख रहे हैं मोहित शर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करो प्लीज, हमारा गाना आने वाला है, जम्मू के लिए गाना है, जम्मू के इमोशंस है, सब कुछ है इस गाने में, सिर्फ ये नहीं है कि जैसे लोग भाई बहन ही दिखा देते, नहीं भाई बहन बहन की फैमिली बिल्कुल बकरा गीत है, एहोलिया गीत नहीं होना जम्मू चले तक, और जेहो ले स्क्रिप्ट ही ओले स्क्रिप्ट भी मैं जम्मू दे कुसे भी ऐसे डोगरी गीत दी नहीं दिखी, ते बहुत ही डिफरेंट चीज जेड़ी ओ आसे लांदी है, तो उम्मीद यो करनी है 92.7 बिग एफएम ऊपर तुसी जरूर सुनो और बहुत सारा प्यार सानु 25 तरीक दियो। द डेकोर ने इतना सोहना सेट बनाया बेदी दे फोटो मैं ऑलरेडी अपने मोबाइल रखे दे ना, मैं आखा जे कोई मेरे घर जदों कुड़ी होवे दा ब्याह मैं बेदी दे कोला बनवानी है, इतनी सोहनी बनाई दी जरूरत विदू तुंदी है क्योंकि तुम्हें जम्मू दी ऑडियंस तक इकट्ठी करनी करनी है, दिल्ली वाले भी इकट्ठे करने हैं, उन्हें भी सराहना जबरदस्ती कि सुनो साडा डोगरी गीत और इन्हें पर रीला बनाओ डोगरी डोगरी करती रहनी है ना, ते आहें जरूर एक मैं उम्मीद करनी है कि सारे शेयर करेंगे एक दूए कने कि रखड़ी उपर आए चाहने कि इस गीत दे उपर तुस अपने भ्राएं कने अपने भ्रा कने जिहड़ी रील बनाई है असीं भेजो तुहानू टैग करो ताकि आहें भी चाह कने जिहड़ा ओह दस्सी कि साडे गीत दा जिहड़ा इह बनेगा। बिल्कुल, इतना काम करने के बाद अब दिल से मन है कि सच में ये गाना वायरल कर दो, बहुत मेहनत लगी है और प्लीज 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 इस गाने को इतना प्यार देना। अली भी अखे च नींदर भरोच रही है, अभी हमने स्टूडियो जाना है वापस, एडिटिंग करना है, बड़ा मतलब एक बैक स्टेज बहुत काम रहता है, आप शायद वो 3.5 मिनट का गाना देखते हो बट जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मेरी स्टोरीज अपडेटेड रहती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 मिनट के गाने के लिए अभी तक आई थिंक हमें 30 दिन हो गए इस गाने में प्लान करते। तो प्लीज गाइज एक शेयर शायद आप हमें 100 व्यू देगा आपके लोगों को, तो प्लीज शेयर कर लेना। डायरेक्टर साहब मोहित शर्मा जी, और मैं जाते जाते एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमने एक शो लाया कॉफी बिरयानी शो लाया, तो उसको भी लोग प्यार दें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है तो उसको भी बहुत कम प्यार मिल रहा है, इतनी मेहनत की आप सबके लिए, दिल से बुरा लगता है यार इतनी, ये सच में यार मैं सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, इतनी मेहनत की इस शो के लिए, इतना वो किया बट पहुंच नहीं पा रहा, वो हर जगह नहीं पहुंच पा रहा, तो प्लीज उसको भी शेयर करें लाइक करें, यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा फिल्म से जाके वो शो देख सकते हैं, आपके जम्मू का अपना टॉक शो है, ऐसा टॉक शो अभी तक कोई आया नहीं है, तो उसको भी इतना प्यार दें और इस गाने को तो आपने देना ही है परसों 25 जी। विदु कट पड़ा सबकी कट पड़ा सबरी क्या बड़ास निकालो अपनी कह रहे हैं बड़ास निकालो आप भी बोलो कुछ क्योंकि तेरे एक्सप्रेशन तू कदों दे कंट्रोल की तेरे मैं दिखा नहीं हूं प्लीज शुरू ही हो आपने क्या रोल प्ले किया है, प्रज्ञा दी ने क्या रोल प्ले किया है और अयान का क्या रोल है? अयान आपसे पूछ रहे हैं, अयान जो है इस गाने में, अयान हर बार भाई बनता है तो इस बार भी भाई ही बना है, तो प्रज्ञा इस बार उनकी बहन बनी है, पिछले गाने में कोई और बहन थी, इस गाने में प्रज्ञा बहन बनी है और मैं इनका हस्बैंड बनाऊं प्रज्ञा का ऑन स्क्रीन,
तो मोहित मुझे ऐसे लगता है कि प्रज्ञा दी तो मेरे हस्बैंड भी आए होंगे, तो थोड़ा चक करने लग गया होना नहीं कि मतलब हस्बैंड के सामने हस्बैंड इतने सपोर्ट, ये देखो अभी मैं इनके अभी हस्बैंड भी बताती साथ हूँ, हो गए, अभी इतना बताती हूँ सपोर्ट प्लीज करते कम। हैं वो। इना सपोर्टिव लाड़ा तो ये तैयो कुड़ियां लखड़ करने हुए पकड़े फेरे कि कराए मतलब इन्होंने, जम्मू वाली उन्होंने फेरे भी चार कराए दिनों के हैं फेरे यार। कराए इन्होंने हाय एवरीवन, नमस्ते। सच में सबको ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए प्रज्ञा जी जैसा, जिन हाँ मैं जैसा देखती इनको रहती मिला। हूँ पाई हुई जी कि उनकी कलाड़ी की आदत पाई हुई पर हम इसी की फेवरेंट जैसे होते हैं ना खंड मीठे लोग डोगरे, वैसे ही हिमाचली भी होते हैं। तो आए। कुछ इसने प्रज्ञा ने मेरा रंग लिया, कुछ मैंने इनका रंग लिया, तो ऐसी जिंदगी चलेगी। आप ऐसी की बात करते हो। हाँ मोहित प्लीज ये डायलॉग लिख ले, काम आएंगे। क्या क्या लिख लेता हूँ मैं, कोई नहीं। लाइव सेशन लग रही कि मैं इसको न्यूज़ चैनल पे शेयर करूंगी कि नहीं करूंगी, मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं बट ये बहुत सपोर्ट रहे, ऑब्वियसली एक कुड़ी जल्ले बोई आंदी है जेड़ा हस्बैंड जेड़ा वो सपोर्ट करदा और ये बैकबोन बनी है पीछे खड़ोता रहो, तो एक कुड़ी आगे ना हर कोई भी चीज जेड़ी है वो हासिल कर सकती है। तो उस मामले च हम लकी है कि हस्बैंड अच्छा तो है रहा है कि जो सपोर्टिव ने इन्हें सपोर्ट किया ता के मैं डिदुरु इत्थे आई शूट करन ताई, और ये सारे सीन फर्स्ट टाइम कोई गीत आ रहा और इस दे ब्याह दसे रहा उनका घर वाला कोई और है, ये सारी चीजें बड़ी कईयों ताई बहुत ऑकवर्ड हुई हुंदी, बट इनदा सपोर्ट हो और इन्हें टीम ने भी बड़ा साथ दिता तो चीजा मेरे ताई बहुत आसान हुई है। सागर सर आप इस समय प्रज्ञा जी के साथ हैं और आप आउट ऑफ जम्मू से हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका डोगरी से क्या कहना है, और मतलब कि आपने सारा देखा तो उससे आपका क्या कुछ बात तो हो तो क्या है ये क्या लैंग्वेज है नहीं तो ऐसा आपका क्या नहीं है, कहना है। ऐसा नहीं है। मेरे को मतलब छोटे होते से थोड़ा लैंग्वेजेस का शौक था। मैं आंध्र प्रदेश में रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, और हिमाचली हूँ, तो पंजाब में रहता हूँ साथ में। तो मुझे हिमाचली भी आती है, पंजाबी भी आती है। तो एक लैंग्वेज लर्न करना मतलब अपने कल्चर के बारे में सीखना और दूसरे कल्चर के बारे में सीखना, ये मुझे पहले से ही अच्छा लगता था। तो प्रज्ञा के साथ हूँ पिछले 3-4 साल से आफ्टर मैरिज, तो डोगरी भी सीखने को कुछ मिली है, तो थोड़ी बहुत सीखने को जो मिली है, तो अब गाना भी बहुत अच्छा बना है। तो ये चीज़ तो कल्चर को एक्सप्लोर करना और दूसरों के कल्चर से कुछ सीखना, ये तो वैसे भी अच्छी चीज़ होती है, एंड आई थिंक थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता है पहले। तो आपको एज सारे के अपने गाने की सारी सॉरी इनने तो अपने गाने को अच्छा बोलना ही गया कि अच्छा गाना है, आपको कैसा लगा क्योंकि आपने भी तो देखा शूटिंग भी देखी और सुना भी होगा, तो आपको कैसा लगा। वीर तू डोगरी बोल इंदे कन्ने नहीं आंदी डोगरी। हां हां नहीं, शूट में तो हमें बहुत मजा आया। मतलब जैसे जो सीन्स थे, फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस था कि कैसे शूट होता है, तो ये भी सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कुछ सीखने को मिला। और अभी भी जब हम साथ बैठे थे तो मतलब बहुत अच्छे दोस्त हम बन गए हैं, साथ में बैठे हैं। और मैं डिफरेंट प्रोफेशन से हूँ, ये सब अभी मीडिया इंडस्ट्री से हैं, तो बहुत सारी चीजों को पता चलता है। तो ये भी मतलब एक अच्छी चीज है जो अभी सीखने को मिलती है। मतलब आपको लगता है कि ये गाना जो एक बिग हिट होना चाहिए। गाना तो मैंने पहले ही सुन लिया था, जैसे कि प्रज्ञा ने बताया, अयान और मोहित ने शेयर किया था सॉन्ग प्रज्ञा के साथ, तो तभी मैंने सुना था। तो मतलब जो उस टाइम गूसबम्प्स आए थे ना, बीच में एक पोर्शन आता है, अब आपने सुना होगा तो ऑन एयर आगे भी आएगा जो स्पॉटिफाई करा, तो एक सेक्शन ऐसा आता है सॉन्ग का जहाँ पे गूसबम्प्स आता है। तो लिटरली वो हमारे साथ हुआ दोनों फर्स्ट टाइम सुनते हैं। एंड जब थोड़ा सा कंसेप्ट बताया मोहित और अयान ने कि ऐसे से स्टोरी लाइन थोड़ी सी, तो अभी मैं रिवील तो नहीं करूंगा उससे पहले, लेकिन जो स्टोरी लाइन थोड़ी सी प्रज्ञा को बताई थी और प्रज्ञा के थ्रू मुझे पता चली, तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज भी है उसमें, 2-3 मैसेजेस हैं, और बहुत ही एक शूट भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो आई थिंक ये मतलब हिट है, थैंक ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन बहुत सुपर हिट होने वाला है। यू। ठीक अच्छा एज अ हस्बैंड के आपको थोड़ा सा भी हो जाता है जैसे हो जाता है आप पता पहली बार ही मिले ये सब, तो मोहित जो है वो प्रज्ञा जी के हस्बैंड का रोल निभा रहे हैं, फिर तो उससे ही थोड़ा ही नहीं लग गया कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करा अपना। ठीक है मेरे कहने क्यों यार शूट नहीं, मैं अपना सुना
ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ ਸੀਨ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਰੋਵਾਂ ਨੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸੀ ਆਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਮੀਆ ਸਾਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ बेसिकली विदू हस्बैंड वाइफ से पहले हम ना हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं यू कैन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो हमारा ऐसे है कि एक दूसरे को पोकिंग बहुत करते हैं बात बात में मतलब वो कहते हैं ना कि कॉन्ट मारना और वो थोड़ा कॉमन जेरियली फाइट्स होती है वो हमारी बहुत चलती है जब वो शॉर्ट चल रहा था तो वो भी कंटिन्यूटी थी तो आई थिंक डीसन ने बहुत किया बाकी सब तो एक्टिंग कर रहे थे डीसन मेरे साथ था ऑल द टाइम तो मजा बहुत आया एक सीन था हमारा विदु एक सीन था एक सीक्वेंस चल रहा था वो बहुत ज्यादा इमोशनल सीक्वेंस था एंड हम सब लोग रो रहे हैं पिट रहे हैं किसी से आवाज आती है कि डीसन भाई ने कुछ कॉमेडी कर दी और ये लोग सब लोग इतनी दूर क्या था वो डायलॉग भी बताइए आप भाई जो स्टोरी रिवील हो जाएगी ना फिर अच्छा अच्छा सॉरी जब मोहित को आप कख नी किता रब ने शैल गी लिखी करना शनिवार सवेरे 8 बजे उठी है काली कट्टी काला टिका लाना त्रै बारी मत्था टेकना जम्मू और हिमाचल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता हुआ मैं दिखी लिया दोनों के कल्चर बहुत मिलते हैं इवन डोगरी इवन मैं प्रज्ञा से भी बात करता हूं प्यार करने वाले होते हैं तो इसीलिए यू नो हम लोग ज्यादा प्यार करते हैं ना हिमाचल च भी कुछ एरिए ही लेना जेडी डोगरी अस बोलने होने ना उथे भी सेम डोगरी बोलते हैं डोगरी ही है वो चीज मैं बताता हूं आपको एक्चुअली क्या है कि जो हिमाचल की नेटिव लैंग्वेज है ऑन पेपर जो जैसे आप एग्जाम गवर्नमेंट वगैरह कुछ भरते हो तो उसमें अगर आपको नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो डोगरी ही लिखा जाता है और उसमें क्या है कि डोगरी का अलग अलग वर्जन हो गए हैं एरिया वाइज जैसे हर कुछ किलोमीटर बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है एक सेम लैंग्वेज पंजाब में भी आप डिफरेंट एरियाज में जाओगे डिफरेंट रीजन में जाओगे तो डिफरेंट तरीका है बोलने का सेम ऐसे मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि जम्मू की डोगरी और हिमाचल की डोगरी बहुत ज्यादा मिलती है आपस में और इवन कल्चर बहुत मिलता है जैसे कहीं पे कंगाल बोलते हैं कहीं पे कंगला बोलते हैं मतलब डोगरी हर किलोमीटर चेंज होती है और मेन चीज जो मैंने देखी है यहाँ पे डोगरी कल्चर के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो हिमाचल कल्चर में भी बहुत गाए जाते हैं सुने जाते हैं इवन ऑन वेडिंग्स और नॉर्मली भी सेम ही चलते हैं जैसे वो ला के तीन पैक बलिए नहीं नहीं डोगरी 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 राखी 1-2-3 जिंदाबाद चलो मतलब तुझे डीसन म्यूजिक से भी सोचता है कि जो आगे बोली और नवाज बीच म्यूजिक छड़ दा रहंदा नहीं बीट बीट केड़ा म्यूजिक छड़ दा रहंदा अच्छा ओके मेरी ज्यादा इंटरेस्टिंग जेडी गाल कर मजा आ रहा है सागर जी उनके कने आ रहा सीरियस जवाब उठ तो आ रहे ना ता आ चलने फिर तो उस रोटी खा लेने नहीं सर तुस देखो सब करे रहे फोन हमारा लाइव सेशन तो ये गाने से रिलेटेड था बट द थिंग इज कि अब हमारी जम्मू की बेटी है आउट ऑफ जम्मू जो है शादी हुई है लेकिन इतना सपोर्टिव सीरियसली मतलब मैंने कहीं देखा और स्पेशली जर्नलिज्म है ना इसमें बहुत रहती है तो मैं आपके साथ जहाँ और लास्ट 23rd September की साथ करने आए फिर एक इवेंट आ जाए तो मतलब आप साथ में लेके आते हो साथ में लेके जाते हो तो कभी कभी क्या एग्जॉस्ट होते हैं कि नहीं मतलब अब इस बार भी जाना मतलब ऐसा कभी हुआ अगर तो काम नहीं है फिर तो एग्जॉस्ट होने का मतलब नहीं है अगर मेरे भी खुद की भी जॉब है तो अगर उसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ मैनेज कर सकता हूँ फिर मुझे कोई इशू नहीं होता आने के लिए मैं खुद मतलब घूमना पसंद करता हूँ ट्रैवलिंग मेरी एक हॉबी है तो अच्छा लगता है निकलना वही बात आ जाती है कि जैसे अब आपने बताया कि बार बार आना पड़ता है या कोई भी ऐसे होता है तो हर बारी कुछ ना कुछ जम्मू के बारे में सीखने को मिलता है या देखने को मिलता है
वाह, तो मुझे लगता है कि अयान किशन जी और मोहित जी आप सबको इनसे कुछ सीखना चाहिए। हमें क्यों सीखना चाहिए? अयान बहुत अच्छी डोगरी सीखता है। अयान डोगरी सीख रहा है। हाँ, अयान डोगरी सीखता है। डोगरी की, जैसे कि अयान ने बोला कि हमने सोचा क्यों ना इस बार हमें डोगरी को सपोर्ट करना चाहिए, है ना अयान? तो मेरे पास एक लाइन है जो हिंदी में है, लेकिन आपको उसको डोगरी में। मुझे पता था विद्यु मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। दो तीन डायलॉग्स में आपको बोलूंगी, आपको उसको डोगरी में बोलना है, ठीक है? पहले तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये मुझे प्रज्ञा ट्रांसलेट करके बताएगी, फिर मैं नहीं प्रज्ञा बता देगी, प्रज्ञा बोलेगी और अयान रिपीट करेगा। हाँ। इतना ही होता है इसमें। पता ही नहीं है जो पता करो। डोगरी उसने मुंह थोड़ी लाया डोगरी खाने में। मैंने थोड़ी गाया है, मैंने सिर्फ एक्ट किया है। बता गई प्रज्ञा, मुझे प्रज्ञा नहीं, क्या नाम है विद्यु? क्या एक चुटकी ना, एक चुटकी को क्या बोलते हैं? एक चुटकी चुटकी रुक जाओ, एक चुटकी सिंदूर दी कीमत तू क्या जाने रमेश बाबू। उसके पर मुझे कोई ट्रांसलेट करके बता दो, फिर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा। प्रज्ञा ट्रांसलेट तो कर दिया, हिंदी में कर तो दिया। बहन बहन जी, अच्छा अच्छा मैं ही बोला रे, ओ आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। के लाइन ही, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रहने दो, मैं खुद ट्राई करूंगा। हां ऐसे लिखिए, देख डिसन ने बोली उड़े रमेश। चलो ट्राई ट्राई करें, ट्राई तो करें बोले। ट्राई नहीं, इस मामले तो मैं बोलगी कि ट्राई तो करा ना मुड़ा, बड़े सारे लोग करते नहीं ट्राई। गुड लक, बट आई थिंक सागर ने बोल लिया। नहीं है, एक सेकंड बस, मुझे यू नो एक मिनट देना प्लीज, टाइम हो रहा है, जल्दी करो। चलो एक चुट पढ़ के बोल लो। ये सिंदूर दा रेट तू की रेट क्या मैं जान के लिए ये मेरे को ट्रोल किया जा रहा है, ये गाने की पब्लिसिटी देना चाहते हैं ये। शुक्र करो मैंने आगे वाला नहीं बोला, शुक्र करो मैंने आगे नहीं बोला। अरे मुझे बताइए शुक्र प्लीज। नेक्स्ट 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 लाइन। आई रेवर माय केस प्रज्ञा, ये तुगी तुगी बढ़ गई क्या पढ़ा रहा सोचो आप हमसे हमारी जान मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, आपने तो हमसे हमारे जीने की वजह इतनी लंबी लाइन ले ली थी। अधिकारी ना समझ रही आया वाला चक्कर आया मेरे को पसीना आ रहा है लिटरली। अयान आप हमसे हमारी जान मांग लेते, इसको डोगरी में ट्रांसलेट करो। तुसी साडू तुसी नहीं पता तुस यार, बस आप और कुछ पूछो यार, ये गलत चल जाएगा मेरे लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई साइंस पोर्टल है कि पर्सनल ब्लॉग का चैनल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे जम्मू का एक डोगरी गाना आ रहा है, हम उसको प्रमोट करने के लिए लाइव सेशन कर रहे थे, लेकिन लाइव होते होते थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन टेंशन नहीं पोर्टल किया है। तू मेरे कोलो मेरी जान मांग लेंदी, तू मेरे कोलो मेरी जान मांग लेंदी, मैं तेनु हसदे हसदे देन देंदा। पंजाबी है ये, हां देंदा हसदे हसदे दे उड़दा, हसदे उड़दा दे उड़दा आप अब मोहित मोहित के साथ करते हैं वाली गेम। नहीं मुझे नहीं आती। ऐसे ही होता है मोहित के साथ। क्या नाम है मोहित? सेम विद्यु,
सेम डायलॉग। अब समझ आया मेरे शो में आके लोग कैसे पसीने कंफ्यूज क्यों होते हैं, आज मुझे वो चीज का एहसास हो रहा है। सॉरी सबको जो मेरे शो में आए हैं उनको साथ क्या क्या होता है। वो विदु ने वो लाइन थी जो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो है क्या बता रहे महेश बाबू, रेट पता चली है सानू दे। आप हमसे हमारी जान मांगे, हम आपको आपने तो हमसे हमारी जीने की वजह छीन ली की मांग ली जो भी तो साढ़े को साड़ी जान मंगी लेंदे ते अस्सी अस्सी दे ओड़दे तुहें ते साढ़े को साड़ी जीने की वजह मंगी ली उनके घर से के देचे। और अयान आप ये बात रही डायलॉग की, बट आई थिंक मी थोड़ा जा और टेस्ट लेना चाहिए अयान दा क्योंकि बड़ी सारी पार्टी से अब ना बस मैं कुछ हिंदी के जो है वर्ड्स बोलूंगी आपको बताना है कि उसको डोगरी में क्या बोलते हैं। ये तो इट्स वेरी इजी हो जाएगा। चलो दरवाजे को क्या बोलते हैं, डोर। हुआ डोर डोर नहीं राखी एक डोर, राखी एक डोर। मुझे डोगरी डोगरी अच्छा क्या बुआ है ठीक है ठीक है सही बोल रहे हो एक्सेंट इज वो वाला लाओ बुआ बुआ थोड़ी कर रहा है बुआ बुआ नहीं बुआ नहीं बोलते दरवाजे को बोलते हैं पित्त। चप्पल चप्पल जो होती है क्या बोलते हैं, क्या चप्पल को सैंडल नोक यार ये चीज ना गलत हो जाएगी लाइफ में मेरा बोल हो जाएगा। वर्ड दिखा रहे हैं बता रहे हैं लोगों को मुझे नहीं आती है तो इसीलिए आप मुझे गाइड कर रहे हो। ओके ठीक है सब्जी को क्या बोलते हैं, सब्जी को क्या बोलते हैं, रुको मेरी मम्मा डोगरी बोलती है तो सब्जी को बोलते हैं रोटी। खाने को बोलते हैं, खाने को बोलते हैं खाने लूड़ा ये मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे भी नहीं पता आप क्या सलूना बना रहे हो। आज दी सारी टीआरपी अयान लई है। नेक्स्ट वो आंटी ने साइन लगता क्या सब्जी को क्या बोलते हैं बताना जरा। किसको भाई मेरे पेट में दर्द हो क्या बोलते हैं एक मिनट बता रुकना क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। शक्ल चुप गई आवाज आ रही है हमें कमी
सलूना 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 गुड अच्छा याद नहीं चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन प्रकृति तो सभी पूछ ही सकते थे बाल को क्या बोलते हैं कि मैं तेरे बाल को चुंडा वेरी गुड क्या बात है कहता चुंडा ये कैसे पता पुटे होना को मैंने अच्छा ठीक है नेक्स्ट तोलिए को क्या बोलते हैं तोलिए तो पित्त पर अड़के रह जाएगा बस यार टॉवल होता है तोलिया बोलते तोलिया ही बोलते यार तो तू फंसा रही है मुझे ना बोलते हैं परना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट परना तो धुआं होता है वो सिर पे पहनते हैं परना भी सभी से परना पतला जड़ा होता है तो धुआं होता जड़े गले पांदे पतला जैसे सिर परना होता है वो बड़ा यार फड़े होता है तोलिया धुआं होता तोलिया तोलिया हो गया मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूं आज के लिए इतना आई थिंक सफिशिएंट कमेंट्स आया परना मुझे पता है बट पढ़ना हम उसी साइड पे जो लेते हैं ना उसको कहते हैं मेरे ख्याल से आगे बता दीजिए पता है तोलिया ही बोलते हैं तोलिया भी बोलते हैं पढ़ना पता नहीं फिर किसको बोलते हैं क्योंकि अच्छा पढ़ना पतला छोटा जो बेबी होता है ना जब नीचे हम उसके वो रखते हैं जब वो ऐसे ना ऊपर वो सुसु कर देता है तो वो रखते हैं कि बोल दे उसी डोगरी वाला मत बोल लो इंग्लिश पता नहीं क्या बोल दे काइंड ऑफ रहता है डायपर नहीं नहीं जो उसके बेडिंग बेडिंग पे होता है मैट्रेस वो पतला वाला मैट्रेस क्या नहीं पोतना नो ओ ओ हाँ पतला जहा मैट्रेस पतला मैट्रेस होता है भाई बेड के ऊपर क्या क्या बोलते हैं खिंद खिंद खिंदड़ू खिंद हिमाचली में बोलते हैं खिंदड़ू खिंद बोलते हैं और खंदोलू डोगरी बोलते हैं जम्मू वाले बोलते हैं खिंदू खिंदली बोलते हैं तलाई दीपक दीपक जी लिख रहे हैं तलाई मुझे लग रहा उधर आंधी मम्मा बैठी रही ताइयों उधर भी खड़ा बाल बाल मैंने एक दो लोग बिठाए हैं अपने सामने मुझे वो कहते हैं ना फोन ऑफ फ्रेंड वाले आप सच में बता दो अब अयान आपको पता तो चल ही गया होगा खिंद हैं खिंद क्या और झाड़ू को डोगरी में क्या बोलते हैं ब्रूम नहीं सॉरी बारी बारी पीछे से कोई बोला बारी बारी बस साली बारी 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 है बारी आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है बारी 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 बिल्कुल बारी बारी सारा कुछ इंग्लिश ही वैसे आंसर हो गया मेरी सांस से अटकी है चलो बाकी कुछ नेक्स्ट कल के लिए रख दो एक एक रैक चारपाई को क्या बोलते हैं चटिया घटिया नहीं घटी कटिया क्या बोलते हैं यानी भोजपुरी में थोड़ी ना बोलना है भोजपुरी में थोड़ी ना बोलना है खट 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 क्या बोलते हैं एम से एम से है एम से है मंजा जैसे मंजा होता है तो ठीक है मंजा से एक शब्द और मुझे याद आया जो बफेलो होती है उसको क्या बोलते हैं भैंस को इसी के साथ आप जीतते हैं करोड़ों और बस ये गई भैंस पानी में इसको डोगरी में
गई बैंक मंज में गई मंज पानी विच जो है वो पंजाबी वर्ड है च लगाते गाली गई मंज पानी मैं सीख रहा हूं आई एम लर्निंग तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो बहुत सिखा रहे हो जा सकती ना यहां ने बहुत बहुत से वर्ड सीखे होंगे तो जिनको नहीं पता उन्होंने भी सीखे होंगे चलो बताते हैं फिर आप बता दीजिए आपसे हमने पहला शब्द पूछा था सब्जी को क्या बोलते हैं उसी से हम ये लाइव बंद करेंगे आपने सोच के बोला आपने देख के बोला बहुत सारे वर्ड आई थिंक प्रज्ञा जी आपको सिखाने वाले हैं प्रज्ञा जी आप जाते ही कर विदु मैं जब पूरी अच्छे से डोगरी सीखूंगा आपके साथ में खुद लाइव आऊंगा वेरी सून फॉर श्योर मेरे पर्सनल अकाउंट पे कमेंट आ रहे न्यूज पोर्टल पे आप ये कैसी लाइव कर रहे हैं ते वो ये उनसे मैं कुछ आख ही नहीं सकती क्योंकि सारे बंदे अपने ही हैं है ना तो मुझे बता दीजिए करो ना कि गाना आ रहा है उसकी प्रमोशन चला रही है प्रमोशन ऊपर हंसी मजाक के चलता है हां गाने चाहे ट्रोल तो मेरा किया जा रहा है गाने चाहे रोई बड़ा ले आया गाने चाहे सब सारे बड़ा रोई ले आया उनसी लाइव नहीं जिनने भी लोग इस लाइव की दिखा रहे उन्हें लगा रहा होना कि ये चिक्के चावल बुढ़ा पा रहा है पर मैं उन्हें दस्यो ना कि आ सारे सारे जने जम्मू दे हैं अस सारे डोगरे हैं एक डोगरी गीत लिए आने रखड़ी ऊपर ते डोगरी डोगरी दी गल चला दी ते डोगरी दी प्रमोशन करना तो बनदी है ते एक दूए की आहे डोगरी च किश नवे वर्ड जिहड़े सिखाने जिहड़े लाइव ऊपर साडे कन्ने लोग जुड़ा गए ते ओ भी ये डोगरी वर्ड जिहड़े की नहीं पता है उन्हें भी सिखने की थवारा ते असें भी सिखने की किश थवारा यान जिहड़ा ओ सिखा रहा और लाइव ऊपर आईए सारे लोकां दे सामने अपना मजाक भी बना रहा हुण सिखा रहा भी ए सब तो अच्छी गल ए कि ओ सिखा रहा हसदे हसदे बड़े सारे लोग जिहड़े ऑफेंस ले लैंदे कि नहीं मारा थोड़ा मजाक बनादा पर सिखा दे अच्छी चीज है कि और जो हिम्मत है सीखने दी तो मैं यो आ गई डोगरी की बाकी लोग भी जड़ा वो जरूर सीखन और विदु ने इस वेले में बड़ा कुछ बोलना कि प्रगति दी ए लाइव शायद मैं शुरू की खाक तो ट्रेन फड़ी दी वासे ते विदु प्लीज कंटिन्यू बिल्कुल और गाने की ज्यादा को ज्यादा सपोर्ट कुछ जिन्हें की डोगरी नहीं समझ आती हिंदी से बोली ओढ़नी की 25 तारीख को इनका एक गाना आ रहा है राष्ट्रीय दो तीन जो कि ये पूरी टीम लेके आ रही है 25 अगस्त को आ जाएगा आप सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर अगर कोई रील नहीं बना सकता है तो फोटो तो सारे अपलोड कर दे हैं स्टोरीज से आप उसके पीछे भी वो गाना लगा सकते हो और इन लोगों को टैग कर सकते हो ये लोग आपको मेंशन बैक कर देंगे है ना बिल्कुल थैंक यू सो मच अभी मैं विदु को मेंशन करूंगा थोड़ी देर बाद थैंक यू सो मच मैं ये लाइव सेशन शेयर करूंगी अयान की डोगरी भी जरूर शेयर करूंगी क्योंकि मुझे उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके शेयर करना है बकायदा एंड प्लीज आपको मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि दरवाजे को पित्त बोलते हैं डोर नहीं बोलते हैं डोर क्योंकि आपका गाना डोर है लेकिन इसका मतलब नहीं आए डोर हो हर चीज से प्रमोशन कराने आज तो हम कहीं जा रहे थे एक चीज मैं आपको ना एक बड़ा एक अच्छा मैसेज आप सबको नहीं नहीं अभी 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 नहीं देंगे हम थोड़े दिन में देंगे अभी वो मैसेज नहीं देंगे स्टोरी रिवील हो जाएगी तो प्लीज अभी मत अपना बंद रखें मुझे पता है एक मिनट डायरेक्टर साहब आपका काम था मूवी के टाइम तक ठीक है अब मेरा एक सबसे सजेशन है फिर रुकना चाहूंगी मोहित बहुत टाइम से बोल रहा है कि अब करते हैं मोहित जी के ऐसे को मुझे बिठा रहा जितने ना एसी पे ना पंखा है हां मेरे यहां पे थोड़ी गर्मी है तो तभी मैं कह रहा हूं बंद करते हैं तो कुछ नहीं बहुत अच्छा मैसेज है राखी 2-3 में एक मैसेज नहीं है 2-3 मैसेजेस है सो परसों गाना रिलीज होगा सो प्लीज गाइस उसको सपोर्ट करना हम लोगों की बहुत मेहनत लगी है अभी भी मोहित गर्मी में इंटरव्यू दे रहा है तो यू नो बहुत सारा कुछ हमने कहा है गाने के लिए जम्मू वालों से एक रिक्वेस्ट है एक शेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सो प्लीज डू शेयर एंड स्प्रेड लव एंड हमारे लिए सिंगर को भी प्रमोट करो आया चेता मेरा हाँ चेता मुझे
सीखी डोगरी, चेता है मुझे। गुड देखो बोल बोल के ही हम लोग यू नो वो सीखेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मुझे जेन्युइनली सीखना है, मैं सबको बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आती, मैं लर्न कर रहा हूँ। मुझे यू नो रोज अभी जैसे आपसे मुझे लिटरली इसको अगर मैं हम इसको कॉमेडी से साइड पे रखेंगे, मुझे बहुत अच्छे वर्ड्स पता चले कि खाने को क्या बोलते हैं, डोर को क्या बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं, खाने को अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, अभी आपने मैं थोड़ा सीखूंगा उस वर्ड को थोड़ा पॉलिश करके। पित्त बोलते हैं डोर को, तो मैं कोशिश करूंगा डोर नहीं बोलूंगा, पित्त बोलूंगा, पित्त बंद कर दे, यू नो, तो ऐसी चीजें रहेगी। सो थैंक यू विलू, हाँ ये बहुत अच्छा एक फ्रूटफुल आई थिंक लाइव हुआ है, ऐसे लाइव बहुत कम होते हैं, मोस्टली लाइव होते हैं इंटरव्यू क्या होता, बट ये काफी लाइव सेशन में थे तो इसलिए अच्छा होना ही था। So thank you Vidu for this. Thank you everyone for joining. तो सारे दम मतलब धन्यवाद। मैं तो सारे दम लाल नहीं धन्यवाद करनी है, तुसे सारे अपना कीमती समय जेड़ा है वो दिता और अच्छे से हम चीज के जय डुग्गर जय मडोगरी जय डुग्गर जय बाय। थैंक यू बाय। थैंक यू सो मच। बाय विदु। थैंक यू विदु।